हम पियेंगे अभी पापा और मैं मिलके अपना फेवरेट ड्यू। हम चीजें ऐसी ड्यू हम ऐसे पीते हैं, और वो स्टील के गिलास में। ये शक्करपारा हमारे बहुत सारे लगे हैं यहाँ पर। अभी खट्टा होता है पर खाने में मजा आता था, वो विटामिन सी से भरपूर है तो मुंह के लिए काफी अच्छा होता है। झंझनाहट। A few minutes later. लो जी। Thank you very much. भूख लगी थी मैं जोर से यार। सुबह का मैं चुप चाय पी थी। मेरे को नहीं पता जब आपके मैं सोई थी। आइसक्रीम। यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। यहाँ पे एसी और पंखे ऑन हो गए हैं। यहाँ पे बन रही है शिमला की सिगड़ियाँ, मतलब की सिड्डू। वहाँ पे तवे पे हो रही है गरम। हम दोनों साइड से सेकते हैं और इसमें डाल रहे हैं अंदर को। ये देखो इस तरह से पकेगी। अब मेरे पास चूल्हा नहीं है अंदर इसलिए यहाँ बाहर टेढ़ा बोलते हैं इसको, चूल्हा नहीं मिलता ऐसी अच्छी किचन में। ठीक है अपने टाइम पास के लिए टेढ़ा तो बोलते हैं इसको। पानी गरम का भी दाल भी पका लेती है। दाल के लिए रखा हुआ मैंने प्रेस कुकर जैसा राजस्थान ही है, इतनी गर्मी है इधर से धूप, आगे से इधर से ये आग। और यहाँ पे पहले मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है दादी का घर हुआ करता था। मेरी दादी बोले की पुराना पुश्तैनी घर, और दादी के पास हम बहुत रहते थे। आग मैं हमेशा ही आग खराब कर देती हूँ, और मेरा बर्थडे आ रहा है। मेरे तो बड़े दूर है अभी। क्या दे रहे फिर मुझे गिफ्ट इस बार? अरे बार तो दे ही दो। नौ लखा हार मुझे सही दे हार। कितने शर्मा रहे है थार देने में, इतना शर्माना भी क्या शर्मा हार। मैं थार थाल गए तो हार दुन नहीं मांगता अपन को ना ये की मिलेगी। चलो आप हार दे दो, थार में खुद लूंगी। ठीक है। और वहां से पिथनिया निकाल निकाल के हम खाए जा रहे हैं। और यहाँ आग फिर से बुझ गई भाई। मजे आते हैं ना यहाँ पे तो मजे आते हैं। कैसे लगते हैं? क्या होता है वैसे, इसका बर्थडे आता था ना उसने मेला होता था। इस बार मेला थोड़ा आगे चला गया है, बर्थडे थोड़ा एकदम पीछे हो गया है। साजे में हुई हूँ मैं, जेठ के साजे में। ये तो गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट वही था मेला, मतलब पूरा ही इलाका खुश हो जाता था ना। तो कोई नहीं, आप पता क्या करना, आप मुझे पैसे दे देना मेले के दिन। थार बाद में, बर्थडे पहले है। हाँ, वो मम्मी का वो जो स्लूका है ना पुराना, वो पोचा है। और इधर मेरी दादी की पाकटी है बेचारी, मम्मी ने पोचे कर दिए है सारे। तो गाइस यहाँ से अब जाएंगे हम सिगड़ियाँ पकने के बाद। मेरा हाथ भी जल गया, दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ पे देखो मैंने ना डायरेक्ट उसमें लगा दिया, रील बना रही थी मैं, एक रील के चक्कर में हाथ उसमें आग में चला गया। ऐसे जला दिया मैंने अपना हाथ। मैं ऐसे ऐसे कोशिश जो हो रही होती ना ये हाथ जलाने की दिखाने की, ये थंबनेल के लिए होती है कोशिश। अगर ये खराब हुई तो ये ना एकदम से अभी अभी ना 15 मिनट में फूल के तैयार, मतलब कि बन भी गई। यमी यमी सिड्डू हम घी के साथ, मेरी फेवरेट है सिगड़ियाँ। त्रेपन बाजू बुजू तो मरने के फूल बड़ी फूल निडा को बाटी से लागना चौक्यू ना तेरे बनाना रिश्ता नहीं। चौथोड़ का तोड़े है ना रे, ले वाला नहीं रिश्ता पहलो तो शादी माना ना बाहर रिश्ते लाए। अब वो सोई पेशेंट आले लुक एंड लाने भीतरी और ये सारे पेशेंट लावा तीरा
ਗੋੜਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਜੋਂ ਕਡੇਰ ਮੇਰਾ 14 ਤੇ 14 ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਨਾ 14 ਹੈ 14 14 ਹੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਲਈ 13 ਵੀ 14 ਹੀ ਬੱਚਿਓ 15 ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੌਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਤੂੰ ਦਲਗਣੀ ਤੂੰ ਦੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਰਮਾ ਚੱਜ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ चाची हमारी भी इज्जत रखे हमारी इज्जत रखे वाली बात क्या और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि भाई मुझे ऐसी विदा करते करते रोते होने आप ये नहीं था पर जब शादी हुई थी ठीक है मेरा ना ठीक है पापजी है ना अभी हम चल पड़े हैं यहाँ ओ वापस क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि मम्मी वगैरह रोती है मेरी मम्मी नहीं रोते है कभी नहीं रोते हैं वो खुश होते हैं वो बोलते हैं खुशी से जाओ ना देखा बोल दिया पीछे से आ जाना भाई हाथ तोड़ने लेबर मतलब की आपको लेबर की जरूरत है बच्चों की नहीं है ना मतलब 15-16 ठीक है आ जाएंगे हम मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करके आ जाएंगे हम इधर बनाएंगे ना केक ले आना गिफ्ट ले आना मैं आ जाऊंगी नीचे ठीक है चाची चलो फिर वो रह गया क्या मजा आ जाता है यहाँ के हाँ जी डाले पैंट से थार लाने थे मैं पैंट पहन के आई थी ऊपर से देखा मेरा नौला नगरा बोलते यहाँ पे पैंट पहन के आई थी मैं और जब मैं रामपुर वगैरह जाती हूँ ना तो मैं जाती हूँ जी रेस्टा पहन के दिखता है कुछ नीचे रोड चलाना गाड़ी सॉरी मतलब कि रोड दिखता है कहीं पे चलिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए कमेंट कीजिएगा क्या मैं व्लॉग बनाऊं जिसमें मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊं ठीक है हाँ ना और अगर कमेंट आते हैं कि हाँ आप गाड़ी सिखाइए हमें कि ऐसे रोड में मैंने कैसे गाड़ी सीखी सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन में और उसके बहुत ही आसान ट्रिप दूंगी मैं आपको तो थोड़ी देर पहले मैं पहुंच गई हूँ घर में मतलब कि अभी शाम होने वाली है और अभी बनाऊंगी मैं खाना मौसम काफ़ी अच्छा है दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन शाम तक जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है ठंडा ठंडा सा ओ देखिए मौसम बहुत ख़राब हो गया और यहाँ पे हमारी पानी की 3 टंकियाँ हैं एक टंकी तो अभी भर दी है एक टंकी में भी पानी लगाया है ये भी खाली है और वहाँ पे जो टंकी है वो भी खाली है और एक ऊपर है वो सबसे बड़ी टंकी है वो भी खाली है और ये वाले भी सारे बर्तन मुझे अभी धोने हैं क्योंकि मम्मी डैडी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं रौनक के साथ और मौसम देखिए कुछ ऐसा है हिमाचल प्रदेश का यही मज़ा है जहाँ मैं रहती हूँ दिन को गर्मी होती है और ये देखो दिन को गर्मी लग रही थी ना मैं बता रही थी यहाँ पे आज ठंड हो गई है और ठंडी ठंडी हवाएं चली है बाकी चेरियों में ठीक लगे हैं जिसको बोलते हैं हमारी जो चेरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं इस बार फ्रूट्स कम है ये देखो हल्की हल्की सी पकनी तो शुरू हो गई है लेकिन ये बहुत कम लगी है बाकी के फ्रूट्स भी इस बार कम ही है नुकसान है हम लोगों का ये वो जो है वो सारे गोभी हैं आगे पालक है वैसे ठीक है मतलब कि ये देखो ये हमारा पुदीना है बाकी ये हमारे बैंगन हो गए आगे मिर्च वगैरह हो गए और ये मेरे फूल प्यारे प्यारे से कितने अच्छे खिले हुए हैं और ये है जी धनिया धनिया इस बार भी काफ़ी अच्छा हो गया है और ये एप्पल सेब भी कम है हम लोगों के फ्रूट्स कम है और ये मेरा क्रिसमस ट्री काफ़ी बड़ा हो गया ये भी धनिया ही है काफ़ी अच्छा लगा है तो चलिए ठंडे ठंडे से मौसम का आनंद लेते हैं बाहर घूमते हैं इधर उधर रौनक के पापा के आने का वेट करते हैं क्योंकि वो फिर से जॉब चले गए थे ड्यूटी चले गए थे अभी आएंगे वही साथ में सब्जी लाएंगे सब्जी का वेट कर रही हूँ और उन्होंने फ़ोन कर दिया है मैं आगे आटा वाटा गूंथती हूँ शाम के लिए खाना वाना बनाती हूँ और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उन कमेंट के लिए थैंक यू वेरी मच एक कमेंट क्या था कि आपका जो सक्का भाई है वो नहीं है तो शायद वो मेरी वीडियो पे नए होंगे जी हाँ मेरा जो है रियल कोई भाई नहीं है अगर उन्होंने बताया था कि अगर है तो वो कहाँ है तो वो है ही नहीं है क्योंकि हम 3 बहनें हैं मेरे पापा के जो है भाई भी नहीं है रियल भाई तो जो भी है मेरे पापा एक ही है और हम हैं और मेरे पापा के एक बड़े भाई थे एक छोटे भाई थे बड़े भाई की जो है डेथ हो गई और मेरे पापा दादू सब बोलते हैं कि उस टाइम जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट पे अपॉइंटेड होने वाले थे और उतने में उनकी डेथ हो गई और छोटे भाई जो मेरे पापा के थे वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है हमें पता नहीं है वो घर छोड़ के चले गए तो मेरे पापा ही हैं और हम 3 हैं
तो चलिए इस ब्लॉग का भी मैं यहीं बैंड कर दूंगी। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय। एडिटिंग करके फ्री हुई और जैसे मैंने एडिटिंग की और मैंने एक चीज़ देखी, मेरे नाप में मेरे सूट का नाप और मेरे ना हर नाप जो है मेरी कमर का सोच रही हूँ मैं ज़्यादा, तो मेरी कमर जो है 30 इंच हो गई है, जबकि मेरी कमर अभी जब मेरी सर्जरी हुई थी उस टाइम लगभग जो है ज़्यादा नहीं तो मतलब 25 या 26 थी, तो मेरा इतना जो है नाप बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आज से मैंने जो है डाइटिंग भी शुरू कर दी है और योगा भी शुरू कर दिया। आज से नहीं, पिछले 3 दिन से मैं लगातार योगा कर रही हूँ और आगे आने वाले ब्लॉग्स में मतलब कि 1 महीने के बाद फिर मैं अपना नाप लूँगी और देखूँगी इससे कितना फ़र्क पड़ता है। और अभी जब मैंने ये एडिटिंग की तब मुझे लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो गया है। एक साल में मैं लगभग 4 इंच मेरी कमर ज़्यादा हुई है, क्योंकि फैट जो है धीरे धीरे बढ़ता है और फिर घटता आसानी से नहीं है, बढ़ता धीरे 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 है और फिर घटता भी धीरे 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 ही है। मुझे नहीं पता कैसे घटता पड़ता है, अभी ठीक है, देखने लायक है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं प्रॉपर योगा करूँगी, क्योंकि 4 मई को मेरे ऑपरेशन करके भी हो जाएंगे कितने 1 साल, और अब मैं प्रॉपर योगा करूँगी जैसे मैं पहले से करती आ रही थी। 13 साल में मेरा फिगर थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ और ठीक रहना चाहिए, पर इतना भी पतला नहीं होना चाहिए पर मोटा भी नहीं होना चाहिए इंसान ज़्यादा। चलिए कोई ना, कंट्रोल करेंगे। मिले नए ब्लॉग में, बाय।